देखो गोविंद, इस बंगले के लिए जो ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूं और कोई नहीं देगा तुम्हें। पहले तो उन पैसों से तुम अपने पिताजी का कर्जा चुकाओ और फिर बचे हुए पैसों से तुम अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद सकते हो। भाई जहां हमारा ड्राइवर रहता है वहां मकानों के रेट भी कम है, कहूं तो दिला दो। देखिए ये बंगला मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। देखो गोविंद, सेंटिमेंटल होने से पुरानी चीजें लौट कर नहीं आती। वो गाड़िया, वो नौकर चाकर क्या लौट के आ सकते हैं? तुम्हारे पिताजी का दिवाला निकल जाने से यहाँ कर्जारों की लाइन लग गई है। देखो क्या हाल बना रखा है बंगले का, तुम एक माली तक नहीं रख सकते। क्यों बिना बात के बोले जा रहे हैं, खामखा इंसल्ट कर रहे हैं इनकी। अब 3,500 की कमाई में ये क्या अपनी मेंटेनेंस करेंगे और क्या बंगले की। अब हमारा ड्राइवर इनसे ज्यादा कमाता है, इसमें इनका क्या कसूर है? बस कीजिए, हम जैसे हैं हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हमें घर नहीं बेचना। ठीक है चलते हैं, लेकिन फिर गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास पता ना। चलो डार्लिंग, बंगले को आग लगा देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। आलिया, चलो ड्राइवर। आलिया छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर लियो? छोड़ो उन्हें, कहते हैं ना बुरे वक्त में अपना साहब ही साथ छोड़ देता है। अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, देखा ना कितना अच्छा तोहफा मुझे मिला। ओफो, अब छोड़ो भी उन्हें और मुझे ये बताओ आलिया कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, बताओ। ₹150 है मेरे पास। पूरी मार्केट छान मारी लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है, ₹150 में क्या आएगा? लेकिन आलिया के लिए कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा, क्या लूं समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या, ये दुकान कहां से आ गई? यहां तो कुछ भी नहीं था। क्या लिखा है, पुरानी और सेकेंड हैंड चीजों की दुकान जहां पे आपके सपने सच हो सकते हैं। साहब कुछ पसंद आया? दरअसल मैं अपनी बीवी के जन्मदिन पर तोहफा खरीदना चाहता था। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं, मैं तो समझा था कि यहां सस्ती सेकेंड हैंड पुरानी चीजें मिलेंगी लेकिन यहां तो सब उल्टा ही है। सब चीजों के दाम 10 गुना लगते हैं। यहाँ चीजें पुरानी नहीं बल्कि प्राचीन है। कहिए आप क्या पसंद करेंगे? जी ये मुझे बहुत पसंद है। ये जी माफ कीजिए साहब, ये आपके बजट के बाहर है। साहब आप ये देखिए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी को ये बहुत पसंद आएगा। ये हाँ? ये ट्रंक, हाँ देखिए ना, देखिए कितना खूबसूरत है, आप दोनों के बड़े काम आएगा। सुंदर तो है लेकिन बहुत महंगा होगा। साहब बिल्कुल नहीं, सिर्फ ₹145 और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पास ठीक ₹150 हैं, मतलब 145 इस ट्रंक के लिए और 5 बस के लिए। आसान, इसका ये मतलब हुआ कि ये आप ही के नाम हो गया। देखिए साहब आज आपकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई, अब मालूम होता है कि आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
जानी एक बात है साहब, कभी कभी तमाम इच्छाएं पूरी होने के बावजूद आदमी खुश नहीं होता। कैसा लगा है ट्रंक? थोड़ा पुराना है। थोड़ा पुराना है और बर्थडे के लिए थोड़ा अजीब भी है, लेकिन इसमें मैं गर्म कपड़े रख सकती हूँ। तुमने बहुत पैसे खर्च किए ना। वो छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पसंद आया या नहीं। पसंद तो आया, लेकिन हर साल की तरह अगर तुम मुझे फूल देते तो भी मैं खुश हो जाती। अरे, तो फूल भी लेकर आए? My favorites, carnations. फूल? ये, हाँ, ये फूल जरूर उस बूढ़े ने रखवाए होंगे। कौन बूढ़ा? वही जिससे मैंने ट्रंक खरीदा। अजीब सा बूढ़ा था वो। कह रहा था कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिले, कि हमारा ये घर एक बार फिर सुंदर हो जाए, हमारे पास एक नई गाड़ी हो, नए नए कपड़े और ढेर सारे जेवर। अरे बस, और कुछ नहीं? नहीं। हाँ, एक और चीज मांगी, कि कोई अभी इसी वक्त मेरे साथ आए किचन में और मेरे हाथ का बना हुआ केक खाए। मैं चलूं? ओके। कौन सा केक बनाया? चॉकलेट केक विद चॉकलेट वॉलनट टॉप। सब ठीक कर दिया। तुमने एक एंट्री रिवर्स कर दी थी लीजा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओह माय गॉड। मैंने सब जरूरी चेंजेस कर दिए हैं। नाउ रिलैक्स, ओके? ओह थैंक्स अ लॉट गोविंद, थैंक्स अ लॉट। पता है जरा सी गलती से मेरी नौकरी भी जा सकती थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज इतने केयरलेस मिस्टेक्स करने लगे। देखो, ओह माय, दिस वाज द वन। दैट्स द वन, आई डोंट बिलीव इट। वैसे गोविंद, तुम यहां क्या कर रहे हो? No, I mean, तुम इतने brilliant हो, you should be on some higher post. Why here, यार? यार, seriously, I mean. Logan, sir, जरा अंदर आओ. आओ, sir. See you later. Yes, sir. Logan, मेरा transfer हो गया है और मुझे मद्रास जाना पड़ेगा. Oh, sir, मतलब आपके junior Mr. Deshmukh आपकी जगह आएंगे? नहीं, Mr. Deshmukh ने कंपनी छोड़ दी है और उनके जूनियर मिस्टर हेगड़े को कंपनी से निकाल दिया गया है। बाकी बचे तुम। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर और आज से तुम्हें एरिया मैनेजर की कुर्सी संभालनी है। तुम्हारी तनख्वाह भी 40,000 रुपए कर दी गई है। वाकई कोई चमत्कार हो गया। सर, मैं जरा मेरी पत्नी को फोन करके आता हूँ। भैया, मुझे सर मत करो, अब तुम ही सर हो इस ऑफिस के। मैं तो चला मद्रास। बैठ। हेलो आलिया, तुम्हें विश्वास नहीं होगा यहाँ क्या हुआ है। क्यों, क्या हुआ? गोविंद, गोविंद, आलिया, ये सब क्या है? ये कहाँ से लाए तुम?
मुझे पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिजली का बिल भरने गई थी, मैं वापस आई, मैंने देखा ये पूरा घर इस तरह से सजा हुआ है। आप और ये देखो ढेर सारे कपड़े, ये सेवर देखो, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, ये फर्नीचर, आई डोंट बिलीव इट। लेकिन ये सब मेरा अचानक प्रमोशन, ये सेवर, कपड़े, ये सारा सामान, तुम्हें याद है आलिया, ये सब तुमने कल मांगा था जब मैं ट्रंक लाया था। तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सब बातों का इस ट्रंक से ताल्लुक है? देखें। देखते मैं चाहती हूं कि हम दोनों के पास ढेर सारे पैसे हों अभी इसी वक्त। ये क्या ट्रक में से पैसे आ रहे हैं? हेलो गोविंद जी, सुना है आपका प्रमोशन हुआ है? हाँ जी, आइए ना, आइए बैठिए। जी नहीं शुक्रिया, सुनने में तो ये भी आया कि आपने अपने पिताजी का सारा कर्जा भी उतार दिया, ये नई गाड़ी खरीद ली, बंगले का नक्शा ही बदल दिया, नौकर चाकर, क्या बात है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से अच्छा ही चल रहा है। हाँ, आप कम से कम मुझे तो बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ एक प्रमोशन से ये सब तो नामुमकिन है, दाल में जरूर कुछ काला है, am I right? क्या मतलब है आपका? इस तरह अचानक शानो शौकत का तो एक ही मतलब हो सकता है मिसेस गोविंद, कहीं आप किसी गैर कानूनी तरीके से तो दौलत नहीं जमा कर रहे? And I promise, Mr. Govind, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये बंगला आप मुझे बेच दीजिए। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। बस कीजिए आप, ऐसे लोगों से तमीज से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, खुद बेईमान हो इसलिए पूरी दुनिया को बेईमान और धोखेबाज समझते हो, अब यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मारकर मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। देखते हैं किसे निकलना पड़ता है, इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे नहीं, पूछताछ करेंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको। जेल की हवा किसे खानी पड़ेगी देखेंगे हम, नाउ गेट आउट। चलो मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैडम मुझे समझ लीजिए, चलिए चलिए।
अचानक कैसे हो गया? मैं अभी दो दिन पहले इनसे मिला था तो सब कुछ ठीक ठाक था। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। हाँ, मैंने ही वाजदार को बर्बाद किया है इस ट्रंक के सहारे। मगर आलिया, ये सरासर अन्याय है। वाजदार जेल में, उसके घर वाले रास्ते पर, ये तो गलत बात है। क्या गलत किया है मैंने? उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए थी। कह रहे थे कि हम जेल की हवा खाएंगे, गए ना चक्की पीसने। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हो क्या गया है? देखो देखो आलिया, जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो हमें मिल गई हैं। लेकिन हमें किसी का बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हमें भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, समझी तुम? भैया, जो तुम्हें ले जाना है तुम ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। जाओ। अपनी आंखों के सामने तुम इसे चोरी करने दोगे? ए, अलिया, तुम जरा चुप बैठो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जरूर चर्सी है। ए, क्या बोला तुमने? तुम मेरे को चर्सी बोला? हाँ, मैं चर्सी है। पैसा निकाल, पैसा निकाल। तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे उस ट्रक में पड़े, जाओ वहां से ले। चाबी की जरूरत नहीं, खुला है, जाओ देख लो। तुम्हें क्या? चुप। इधर रख। हाँ हाँ। मैं चाहती हूँ कि इस चोर के सबसे खराब सपने सच हो जाएं, कि इसके सबसे बुरे सपने हकीकत बनकर अभी इसी वक्त सामने आ जाएं। ये क्या हो रहा है आलिया? कहाँ गया वो? उसने चोरी की, सामान सारा बिखरा पड़ा होगा, लेकिन ये डूब के मरा कैसे? सर, ऊपर से हमने ठक-ठक की आवाज सुनी, हम नीचे आए और हमने देखा कि वो सामने मरा पड़ा है। अब इससे आगे हम और कुछ नहीं कह सकते सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। आलिया, तुमने क्या किया? उस बेचारे को मार डाला तुमने? वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा था। जरा चेहरा देखो अपना, अरे बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। तुम्हें हो क्या गया आलिया? ये सब उस ट्रंक की वजह से हुआ। मैं उसे वापस कर देता हूँ। वो ट्रंक मेरा है। तुमने वो ट्रंक मेरे जन्मदिन पर दिया था। इट्स माइन, इट्स माइन।
पत्नी हो या कोई। बस, बस। एक बात तुम याद रखो, तुम उस ट्रंक के साथ कुछ नहीं करोगे। Remember that. जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। मुझे तो लगा था आफ्टर प्रमोशन तुम काफी खुश रहोगे, लेकिन तुम तो दिन ब दिन मुझे टेंस और परेशान नजर आने लगे हो। व्हाट्स अ प्रॉब्लम? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है लिजा। कम ऑन यार, तुम्हारे तो सारे सपने पूरे हो गए होंगे, फिर तुमने अपने चेहरे पर ये तेरा क्यों बजा रखे हैं? हाँ गोविंद ब्रेक। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र तो इस बेचारे की है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ, कैसे भी करके इसको बचाना होगा। डॉक्टर साहब देखिए, उसकी रीढ़ की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर पैरालाइज होकर ही पड़ा रहेगा। मुझे तो उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम लगती है। ओह माय गॉड, बेचारा। उसकी मां कह रही थी कि उस अकेले की कमाई पर घर के 6 लोग डिपेंडेंट थे। पता नहीं अब क्या होगा उन लोगों का। इसे कुछ नहीं होगा लिजा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे हो सकता है? उसकी रीढ़ की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई थी। I don't know how it happened. This is fantastic. गोविंद, तुमने कहा था उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता चला गोविंद? लिजा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना की थी और कुछ नहीं। नहीं, नहीं गोविंद, जरूर कोई बात है। उसे चलता फिरता देखकर हम सब हैरान हो गए थे सिवाय तुम्हारे। गोविंद, उसको बचाने में तुम्हारा ही हाथ है ना? हाँ? Come on, गोविंद, tell me. तुमने उसकी जान कैसे बचाई? ऐसा कौन सा राज है गोविंद, प्लीज मुझे बताओ। Come on, गोविंद, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ प्लीज। ठीक है लिजा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन
तुम्हारी बारी। बिस्तरे पर जो कपड़े पड़े हैं इस्त्री करके कबर्ड में रख दो। जी। बेचारी, इसके हस्बैंड को जेल हो गई, फिर उनका सब कुछ नीलाम हो गया। आई फेल्ट सो बैड, इसलिए मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। वैसे पैसे मैं अच्छी देती हूँ, महीने के 4,000। अच्छे खानदान की है ना। तुम्हारी अंगूठी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी? अच्छा, यू लाइक इट? वेरी प्रिटी। वन मोमेंट, मैं अभी आई। देखा तुमने कैसा ड्रामा कर रही है? असल में ये मिसेस वाजदार से नफरत करती है, इसलिए तो नौकरी पे रखा है, रात दिन उसकी बेइज्जती कर सके। अचानक दौलत आ जाने से यही होता है, पर क्लास कहाँ से आएगी? मिसेस मेहता, मेरे हस्बैंड ने दो एक ही जैसी अंगूठियां बनवाई थी, ये तुम रख लो। नो थैंक्स, आई डोंट वांट इट। अरे मैंने तो वैसे ही कहा था। एंड लिसन, अगर मुझे अंगूठी चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड को बोल के कभी भी मंगवा सकती हूँ। मैं तो यूं ही गिफ्ट दे रही थी, आप तो बुरा मान गई। मिसेस गोविंद, माना आपको अचानक बहुत सारी दौलत मिल गई है, मगर इसका दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपने दिमाग पर जरा सा जोर डालो और सोचो कि तुम्हारे पति तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। और आजकल तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी पार्टीज में भी नजर नहीं आते, शायद बहुत बिजी रहते हैं। क्यों? कि पर्दे के पीछे कोई और ही नाटक चल रहा है। कम मैं जानती हूँ, मेरा शक गलत भी हो सकता है। वो औरतें मेरी खुशियों से शायद जल रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पति अभी इसी वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं आलिया को क्या हो गया है, वो बदल गई है, उसका बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, देखो लीजा, ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। अगर किसी और को इस बात का पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी गोविंद, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन आलिया, उसका क्या करोगे? करूंगी तो मैं लीजा, तुम्हें इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी। Thank you.
eternal rest grant unto her, O Lord, and let the perpetual light shine upon her. And may her soul and the souls of all the faithful departed rest in the mercy of the Lord. गोविंद जी, लीसा तो दसवें माले पे रहती थी। मेरी ये समझ में नहीं आया, सांप वहां आया कहां से और गायब कैसे हो गया? आलिया, ये क्या कर दिया तुमने आलिया? उस बेचारे का कोई दोष नहीं था। मैं चाहता हूं कि लीसा फिर से जिंदा हो जाए, फिर से जिंदा हो जाए प्लीज। ए! मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुमसे बात कर रहा हूं, लीसा को जिंदा करो। जामिल, तुम्हें कह रहा हूं मैं, लीसा को जिंदा करो प्लीज। मैं चाहता हूं लीसा जिंदा हो जाए प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो ना, तुम लीसा को जिंदा देखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, लीसा को जिंदा कर प्लीज, लीसा को जिंदा करो। उसका कोई लीसा को मुझे मार डाला बिना वजह। यू स्टुपिड जेलस वुमन, तुम्हारे पागलपन ने मेरी जान ले ली। अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की, तुम्हें सबक सिखाने की। क्या हो गया? ये सब मैं नहीं चाहता था। मैं तो मैं उस चोर की मौत चाहता था, नहीं वाजदार की बर्बादी। मैं लीसा की मौत भी तो नहीं चाहता था। मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास एक सीधा साधा घर था, बीवी थी जो मुझसे बेहद प्यार करती थी, उसमें मैं सुखी था। मुझे मुझे वही जिंदगी चाहिए प्लीज। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो प्लीज, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। मुझे ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं।
उठिए ना साहब, उठिएगा ना साहब, उठिए ना साहब, साहब उठिए ना। अरे आप, मैं वापस यहाँ कैसे आया? साहब आप गए ही कम, बस आप गिर पड़े थे दुकान में कदम रखते ही। लेकिन लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ आया था, मैंने वो ट्रंक खरीदा था। ट्रंक खरीदा था? कौन सा ट्रंक साहब? वो एक ऐसे बड़ा सा ट्रंक था, वो मैं, हाँ यही तो है वो, यही ट्रंक मैंने खरीदा था। ये ट्रंक? आपको गलतफहमी हो रही है साहब, ये ट्रंक दुकान से बाहर गया ही नहीं। नहीं नहीं, ये ट्रंक मैंने खरीदा था, शुरुआत में तो इसने मेरी सारी इच्छाएं पूरी भी कर दी, लेकिन बाद में सब कुछ मुझसे छीन लिया। हाँ, वाजदार को इसने जो है। आप क्या पके जा रहे हैं? अरे पक नहीं रहा हूँ मैं, ये ट्रंक मैंने आपसे खरीदा था 145 रुपए में, इसके पैसे भी दिए थे मैंने आपको। ये ट्रंक आपने मुझसे 145 रुपए में खरीदा था जी? अरे साहब इसका ताला आपको नहीं मिलेगा 145 रुपए में। मुझको लगता है कि गिरने की वजह से आपके सर में चोट आई, जिसका असर आपके दिमाग पर पड़ा। नहीं नहीं, आप मेहरबानी करके आप डॉक्टर के पास जाइएगा और इसका चेकअप करवाइएगा। बड़े आए आप मेरे पास 145 रुपए में ये ट्रंक खरीदे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसी दुकान में गया था, जगह भी वही है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? अरे वो दुकान कहाँ चली गई? अभी अभी तो यही थी, कहाँ गायब हो गई? और वो बोर्ड्स, यहां तो कुछ भी नहीं है, कहाँ गए? अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक पुरानी चीजों की दुकान हुआ करते थे। साहब यहाँ कोई दुकान वुकान तो नहीं है, आप कुछ फूल लेंगे? ए, तुम ही तो उस दुकान के मालिक थे। मेरे ऐसे नसीब कहाँ साहब, काश कुछ इच्छाएं हकीकत में बदल सकती तो मैं भी एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक होता। लेकिन क्या पता साहब, कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी होने के बाद भी आदमी खुश नहीं होता। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। साहब आप ये फूल लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फूल आपकी पत्नी को बहुत पसंद आएंगे। आप लीजिए ना सर, बहुत सुंदर है, लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से। फिर यहाँ आए थे, इस बार उन्होंने ऑफर भी बढ़ा दिया, लेकिन बगैर गुस्सा किए मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया। Aren't you proud of me? कितने अच्छे फूल, my favorite. लेकिन इन फूलों के साथ अगर आप मुझे happy birthday wish करते तो बहुत अच्छा होता। हेलो, कहाँ खो गए तुम? Oh, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. क्या गोविंद को सचमुच एक ट्रंक मिला था या ये उसकी कल्पना थी? हो सकता है वो ट्रंक आपको भी कोई सस्ते दाम पर बेच दे, लेकिन कोई भी चीज मांगने से पहले जरा सोच लीजिए। आपकी इच्छा अगर पूरी हो गई तो ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।